नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बहुत बड़ी खबर के साथ। खबर आपको पटना से बता दें, जहां सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एनडी अलायंस में बिहार में सीटों का फॉर्मूला तय हो चुका है। सूत्रों के हवाले से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, बिहार में एनडी अलायंस में सहमति बन चुकी है। सीट शेयरिंग को लेकर ये सहमति हो चुकी है, जिसमें आरजेडी 28 सीट पर चुनाव लड़ेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के खाते में 9 सीट, यानी कांग्रेस 9 सीट पर चुनाव लड़ेगी। सीपीआईएमएल को 2 सीट मिलने की बात कही जा रही है और सीपीआई को 1 सीट मिलेगी। इसी फॉर्मूले पर लोकसभा चुनाव लड़ेगा एनडी अलायंस। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं, बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर एनडी अलायंस के बीच में सहमति बन चुकी है और उसके मुताबिक जो फॉर्मूला निकला है, हम आपको वो अगर बताएं, सूत्र ये बता रहे हैं कि आरजेडी 28 सीटों पर चुनाव लड़ेगा तो कांग्रेस 9 सीट पर चुनाव लड़ेगी। सीपीआईएमएल को 2 सीट दी जा सकती है और सीपीआई को 1 सीट मिलेगी। और ये फॉर्मूला सीट शेयरिंग का निकल कर सामने आया है। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में एनडी अलायंस इसी फॉर्मूले पर चुनाव लड़ेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, जो बातें कही जा रही थी कि एनडी अलायंस में किस तरीके से तालमेल बिठेगा, इसकी चर्चा लगातार की जा रही थी कि आखिर कौन सा वो सीटों का फॉर्मूला निकाला जाएगा जिस पर सबकी सहमति बन जाएगी। तो ये सूत्र अभी बता रहे हैं कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच में, सीपीआईएमएल और सीपीआई के बीच में जो बातचीत हुई है, उस बातचीत के तहत अब सीटों का फॉर्मूला निकल चुका है। सीट लगभग तय मान लिए जा रहे हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि जो ये फॉर्मूला होगा, उसमें आरजेडी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आरजेडी की तरफ से 28 सीट जो है आरजेडी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है आरजेडी 28, कांग्रेस 9, सीपीआईएमएल को 2 और सीपीआई को 1 सीट मिलने की उम्मीद है। और हमारे साथ संवाददाता अमित कुमार अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अमित, ये जो सूत्र हमें बता पा रहे हैं, जो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है कि लगभग सीटों का फॉर्मूला तय हो चुका है, क्या यही फॉर्मूला रहेगा और क्या लगता है आपको कब तक इसका औपचारिक ऐलान हो जाएगा? देखिए, ये फॉर्मूला लगभग तय माना जा रहा है। जो हमारे सोर्सेज हैं आरजेडी के, उनसे ये बड़ी खबर मिली है कि आरजेडी 28 सीट पे, कांग्रेस 9, भाकपा माले 2 और सीपीआई 1 सीट पर जो है वो लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाती हुई नजर आएगी। इसको लेकर के आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता जो है शक्ति यादव, उनसे भी हमने बात की, तो हालांकि वो पहले कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने ये बात मानी है कि फॉर्मूला लगभग यही तय हुआ है, जल्दी इसका ऐलान किया जाएगा, बहुत जल्द इसका ऐलान कर दिया जाएगा जब महागठबंधन के तमाम बड़े नेता जो हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस साझा करेंगे और उस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है इस बात का ऐलान किया जाएगा कि आरजेडी जो है वो 28 सीट पर, कांग्रेस 9 सीट पर, भाकपा माले 2 और सीपीआई जो है वो 1 सीट पर चुनाव मैदान में नजर आएगी अपनी किस्मत आजमाते हुए। जब हमने उनसे पूछा शक्ति यादव से कि आपकी पार्टी क्या सहमति बना ली है कांग्रेस से और दूसरे जो पार्टी है भाकपा माले सीपीआई के साथ, उनकी सहमति बन गई है, तो इस पर शक्ति यादव ने साफ तौर पर कहा कि सहमति बन गई है और चूंकि आरजेडी जो है वो बड़े भाई की भूमिका में है तो आरजेडी का जो कहना होगा वो दूसरी पार्टियों को माननी होगी। ये भी शक्ति यादव ने कहा कि जो आरजेडी है वो बिहार में सबसे बड़े भाई की भूमिका में है तो ड्राइविंग सीट भी उन्हीं के हाथ में होगी और निर्णय भी उन्हीं का होगा, हम जो तय करेंगे वो महागठबंधन के अनुसाथियों को मानना होगा। कांग्रेस चूंकि दूसरे राज्यों में उनकी बड़ी भूमिका है, राजस्थान में, गुजरात में या दूसरे जो बड़े जो राज्य हैं जहां पे कांग्रेस की स्थिति मजबूत है, वहां पे हम साझेदारी की भूमिका में होंगे। कांग्रेस जो कहेगी हम उसे मानेंगे, लेकिन बिहार में कांग्रेस को हमारी बात माननी होगी। तो क्या सवाल ये है फिर अमित की, क्या कांग्रेस मान चुकी है? क्या लगता है कांग्रेस इतने सीटों पर संतुष्ट हो जाएगी? देखिए, कांग्रेस जो है उसे पहले आरजेडी ने 7 सीट जो है वो प्रस्ताव किया था, 60 सीट देने के लिए प्रस्ताव किया था, लेकिन कांग्रेस की नाराजगी देखने को मिली, कांग्रेस जो मानने को तैयार नहीं थी। आरजेडी ने काफी मान मनोबल किया कांग्रेस को कि आप 7 सीट पे चुनाव लड़ें, हमें जो है वो 30 सीट पर चुनाव लड़ने दें, लेकिन जब कांग्रेस ने नहीं माना इस बात को, तब फिर आरजेडी और भाकपा माले सीपीआई कांग्रेस के साथ एक बैठक की आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व ने और फिर ये फॉर्मूला तय हुआ कि आरजेडी जो है वो सबसे अधिक
सीट पर चुनाव लड़ेगी। लगभग जो है आरजेडी का 28 सीट होगा, कांग्रेस का 9 सीट झोली में डाला है आरजेडी ने, और सीपीआई को 1, भाकपा माले को 2 सीट। ये फार्मूला लगभग तय हो चुकी है और जल्द ही इसका ऐलान का दावा जो है वो पार्टी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव कर रहे हैं। हालांकि ये भी अंदर खाने की खबर है, सोर्सेस से जो हमारे पास खबर है कि अगर और भी 1-2 पार्टी इस महागठबंधन में आती है चुनाव नज़दीक आते आते, तो आरजेडी उन्हें अपने सीट से और कांग्रेस के सीट से एकोमोडेट करेगी, यानी कि अन्य के लिए भी दरवाजे जो हैं वो महागठबंधन में अभी खोले रखे गए हैं। तो आरजेडी जहां 28 सीट है, कांग्रेस को 9 सीट दिया है, तो उसी में से एकोमोडेट करने की कोशिश जो है वो उन पार्टियों के लिए होगा जो पार्टी आगे आने वाले दिनों में जो एनडीए से नाराज होंगे या जो एनडीए के साथ अब तक नहीं गए हैं, अगर वो इधर आते हैं तो उनको एकोमोडेट करने की कवायद जो है वो आरजेडी की तरफ से होगी। तो यही वजह है कि आरजेडी ने अपने पाले में सबसे अधिक सीट यानी कि 28 सीट रखा है, कांग्रेस तो 9 सीट दिया है, 7 सीट जो है वो देने की बात कही जा रही थी लेकिन जब कांग्रेस नहीं मानी तो 9 सीट का प्रस्ताव दिया गया है और ये प्रस्ताव पर सहमति जो है वो कांग्रेस की तरफ से भी सामने आ गई है। भाकपा माले को जो है 2 सीट दिया गया है और सीपीआई को 1 सीट। तो कह सकते हैं कि अभी भी जो पूरे तौर पर तस्वीर जो है वो 99% साफ हो चुकी है। अब चूंकि जैसे ही चुनाव की अधिसूचना आती है उसके बाद कुछ अगर पार्टी इधर आती है तो उसके लिए भी 1-2 सीट जो है। अमित, क्या कुछ खास सीटों को लेकर भी बातचीत हुई है, क्या कुछ पसंदीदा सीटों को लेकर आरजेडी और कांग्रेस और सीपीआईएमएल के बीच में जो आप बता सके? देखिए, इसको लेकर के भी हमने अपने सोर्सेज को खंगाला और जो पार्टी के प्रवक्ता हैं शक्ति यादव जो इस पूरे मसले पर लेकर के हमसे बात किए हैं, बातचीत है जिसे आप दर्शकों को दिखाएंगी, तो उन्होंने कहा कि देखिए ये अभी कुछ चीज़ें जो है वो आगे भी तय होने दीजिए, सब कुछ अभी सारे पत्ते मत खुलवाइए। इसको लेकर के चूँकि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व एक बार और बैठक करेगी, जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात उन्होंने कही है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कौन कौन सीट पे कौन सी पार्टी लड़ेगी, किस लोकसभा चुनाव में कौन से प्रत्याशी होंगे, उसका चयन भी साझेदारी तौर पे कांग्रेस, सीपीआई, भाकपा माले और आरजेडी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो बैठ करके तय करेंगे। ये नहीं कि कांग्रेस को 9 सीट चला गया तो वो 9 सीट में वो अपने मन मुताबिक प्रत्याशी को चयन कर लेंगे और फिर उसे टिकट दे देंगे और वो चुनाव मैदान में आ जाएगा। उसके लिए भी महागठबंधन जो है वो साझेदारी तौर पर बैठेगी, बैठक करके कैंडिडेट का नाम का चयन किया जाएगा। हर लोकसभा चुनाव से 3-3 कैंडिडेट का जो है वो चयन किया गया है, चूँकि आरजेडी भी अपने स्तर से 40 सीटों पर तैयारी की थी चुनाव लड़ने को लेकर के, कांग्रेस ने भी 40 सीट पर तैयारी किया था, जैसा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो है वो लगातार करते रहे कि हम 40 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि तमाम जो लोकसभा चुनाव होने हैं जहां जहां सभी जगहों पर 3-3 कैंडिडेट जो है वो के नाम रखा जाएगा, प्रस्ताव में लाया जाएगा और उसके बाद उसमें से एक जो सबसे बेहतर उम्दा जो कैंडिडेट होगा जैसा कहना है आरजेडी के सोर्सेज का, उसका चयन किया जाएगा और वही चुनाव मैदान में महागठबंधन के साथ अपनी जोर आजमाइश करते हुए नजर आएंगी और पूरा महागठबंधन उनके साथ खड़ा नजर आएगा। ये नहीं कि कांग्रेस के जहां पर प्रत्याशी हैं वहां पे आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व जो है वो चुनाव प्रचार नहीं करने जाएंगे या कांग्रेस जो है वो चुनाव प्रचार करने आरजेडी के जो कैंडिडेट हैं उनके तरफ नहीं जाएंगे। तो पूरे साझेदारी के साथ चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी जो है वो महागठबंधन ने की है और जो तस्वीर अभी नजर आ रही है लोकसभा चुनाव को लेकर के, वो तस्वीर जो है बदल जाए ये कोशिश होगी, क्योंकि 40 सीट में देखा जाए तो जो एग्जिट पोल सर्वे करवाया है न्यूज 18 ने नेटवर्क ने, उसमें 39 सीट जो है वो जाता हुआ नजर आ रहा है एनडीए को, तो वो तस्वीर ना हो इसको लेकर के अब मंथन जो है वो शुरू हो गया है यहाँ पे महागठबंधन के अंदर में और इसी तस्वीर को बदलने की दिशा में कवायद होगी। 3 प्रत्याशी होंगे, उसमें से 1 बेहतर प्रत्याशी का चयन होगा और वही प्रत्याशी जो है वो चुनाव मैदान में अपनी किस्मत अपना भाग अजमाते हुए नजर आएंगे ताकि जो है अधिक से अधिक सीट पे महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनका जीत सुनिश्चित हो सके और जो तस्वीर अभी नजर आ रही है लोकसभा चुनाव को लेकर परिणाम को लेकर के वो तस्वीर ना हो। लगभग ये माना जाए तो ये फॉर्मूला जो है वो तय हो चुका है, हालांकि देखना होगा कब तक इसका औपचारिक ऐलान किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आम जानकारी के लिए। तो देखिए, न्यूज 18 ने लगातार इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरी खबर को लेकर बातचीत की है और आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव से भी इस पूरे मसले को लेकर जब बातचीत की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको वो सुनाते हैं। सीट बंटवारा जो है वो लगभग तय हो गया है, हमारे साथ मौजूद है शक्ति यादव, मुख्य प्रवक्ता है। शक्ति जी, क्या वाकई महागठबंधन में सीट शेयरिंग जो है वो उसका फॉर्मूला तय हो गया? गठबंधन में सीटों के बंटवारों को लेकर के लगातार बैठक अंतिम रूप देने में लगी थी।
और सब कुछ पटरी पर है, जल्द ही विपुल डोमन में आप लोग के माध्यम से बातें आ जाएगी कि गठबंधन के कौन घटक दल कितने सीट पर चुनाव लड़ेंगे। हमारा नेचुरल गठबंधन है महागठबंधन का, नैसर्गिक है, कई दलों से पुरातन हमारे गठबंधन रहे हैं। लेकिन जो जानकारी है, सूत्रों से जो जानकारी है कि आरजेडी 28 सीट पर लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाती नजर आएगी, कांग्रेस के पाले में 9 डाला है आप लोगों ने, भाकपा माले को 2, सीपीआई को 1, तो क्या कांग्रेस और माले राजी होगी? ये बात संख्या आप लोग के पास कहां से आया मैं नहीं जानता, लेकिन इतनी बात तो स्पष्ट है 400 लोकसभा सीट पर राष्ट्रीय जनता दल अपने गठबंधन अपने सहयोगी के साथ मजबूती से लड़ेगी और भाजपा को शिकस्त देगी। आरजेडी कर रही है, आप कहते हैं लगातार आपकी पार्टी कहती है कि सबसे बड़ी पार्टी हम हैं, तो सबसे अधिक सीट पे हम लड़ेंगे, स्वाभाविक है। राष्ट्रीय जनता दल बिहार में मजबूत आधार को लेकर करके नेतृत्व कर रही है महागठबंधन का, और सभी सहयोगी दल सहयोग कर रहे हैं। अब जहां जो जानकारी है कि 9 कांग्रेस वहीं 28 आरजेडी, यानी 3 गुना अधिक है। चाहे गुना से मतलब नहीं है, 3 गुना, 2 गुना, 1 गुना, संख्या तो आ जाएगा पीपुल डोमेन में जब आप लोगों के बीच में हम बातों को रख देंगे। राष्ट्रीय जनता दल का जहां मजबूत आधार है, हम राजस्थान मध्य प्रदेश में बड़ी भूमिका में नहीं रह सकते हैं, हम वहां सहयोगी हैं। जो जहां बड़ी भूमिका में हैं, तो स्वाभाविक है सबको ट्रस्ट करना पड़ेगा। और याद रखिए, हम लोग लगातार एक बात को कहते रहे हैं, जो रीजनल पार्टियां राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए पर्याप्त है, मजबूत है, उसको सब लोग मिलकर सहयोग करिए और ड्राइविंग सीट पर बैठाइए। कोई काम चल रहा है उस दिशा में, सहमति बन गई है कांग्रेस और बाकी दलों के साथ, हर तरह की सहमति पर बात हो गई है, और हमको लगता है बहुत जल्द ये चीजें आपके बीच में आ जाएगा। चलिए, बहुत जल्द जो है वो तस्वीरें साफ हो जाएगी। महागठबंधन की तरफ से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। जो जानकारी है उसके मुताबिक आरजेडी 28, कांग्रेस 9, भाकपा माले 2 और सीपीआई 1 सीट पर जो है वो सहमति बन गई है। हालांकि तस्वीर जब सामने आएगी तो क्या आंकड़ा होगा ये देखना बेहद अहम होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एनडीए में जहां अभी भी पेच फंसा है, वहीं महागठबंधन जो है वो सीट शेयरिंग फार्मूला तय कर लेने का दावा करने लगी है। अमित बात बीजेपी, और सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि झारखंड में भी ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि एनडीए अलायंस में सीटों का बंटवारा लगभग लगभग तय हो चुका है। तो सूत्रों के हवाले से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, झारखंड में भी एनडीए अलायंस में सीटों को लेकर सहमति बन चुकी है। कांग्रेस यहां 7 सीट पर चुनाव लड़ेगी, जेएमएम 5 सीट पर चुनाव लड़ेगा, तो इसके साथ ही आरजेडी और सीपीआईएमएल को एक एक सीट दी जा सकती है। झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें हैं और इन 14 लोकसभा सीटों को लेकर एनडीए अलायंस के अंदर तालमेल बनता हुआ नजर आ रहा है। ये सूत्र अभी बता रहे हैं कि एनडीए अलायंस के अंदर कांग्रेस को 7 सीट मिल सकती है, यानी कांग्रेस 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जेएमएम के खाते में 5 सीट जा सकती है, जेएमएम 5 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। वहीं आरजेडी और सीपीआईएमएल को एक एक सीट दी जा सकती है। और इसे भी शुरू कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां आरएलजेपी की तरफ से संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं दिल्ली से, पशुपति पारस ने ये बड़ी बैठक बुलाई है। 3 दिन में 3 बजे ये बैठक बुलाई गई है, पशुपति पारस के आवास पर ही ये बैठक होगी। संसदीय बोर्ड के सभी सदस्य इस बैठक में मौजूद होंगे और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता इसमें मौजूद होंगे। आगे की रणनीति पर फैसला लिया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, आज आरएलजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक होने जा रही है। पशुपति पारस ने ये बैठक बुलाई है, 3 बजे ये बैठक होगी, पशुपति पारस के आवास पर ही सभी जो सदस्य हैं संसदीय बोर्ड के वो पहुंचेंगे और 3 बजे ये बैठक शुरू हो जाएगी। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और इस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि अभी एनडीए गठबंधन को लेकर ये खबर सामने आ रही है कि सीटों का फॉर्मूला एनडीए गठबंधन में भी लगभग लगभग तय हो गया है, और इसी के तहत बताया जा रहा था कि चिराग पासवान को एनडीए ने हाजीपुर की सीट जो है वो दी है, ऐसा सूत्र हमें बता रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पशुपति पारस उसी वक्त से नाराज चल रहे थे, और आज देखिए बड़ी बैठक पशुपति पारस ने बुलाई है, देखना होगा क्या कुछ फैसला पशुपति पारस की तरफ से लिया जाता है।
और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।